मैंने उतने ईयर के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 2015 तक के समेट लिए हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 2015 तक के। उसके पीछे आप लोग देख लीजिएगा, ज्यादा फर्क नहीं आएगा पैटर्न में। अगर एक आध दो आता है तो उसको आप डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ गेट एक्सेल 2017 बायोकेमिस्ट्री, इसमें पूछा गया है ड्यूरेशन ऑफ द डीएनए सिंथेसिस इन द एस फेज इज 11 आवर, द डीएनए रिप्लिकेशन एट द रेट ऑफ 10 बेस पेयर पर फॉर्क पर सेकेंड पर फॉर्क, एंड नाउ अ प्लांट स्पीसीज हैज 3.0 इंटू 10^10 बेस पेयर डीएनए पर जीनोम। नाउ द नंबर ऑफ बाई डायरेक्शनल फॉर्क्स पर जीनोम रिक्वायर्ड फॉर द रिप्लिकेशन, कितना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या करना है इस क्वेश्चन में? देखिएगा, इस क्वेश्चन में करना है कि डीएनए रिप्लिकेशन रेट है, क्या रेट है कि 100 बेस पेयर, इसमें डेटा जा रहा है वो दिया हुआ है 100 बेस पेयर पर सेकेंड पर फॉर्क, ये दिया हुआ है इन्होंने रेट, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है रेट, इस रेट से चल रहा है, यानी कि पर सेकेंड में इतना जा रहा है। 11 घंटे को जरा सा सेकेंड में कन्वर्ट करो, 11 आवर्स को सेकेंड में कन्वर्ट करो, 11 आवर्स को सेकेंड में कन्वर्ट करो, तो ये क्या हो जाएगा, 11 × 3600 सेकेंड्स, ये होगा। अगर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3960 जी, ये सेकेंड्स आ गया। तो इतने 11 घंटे में कितना करेगा, 11 आवर्स के हिसाब से, 11 आवर्स के हिसाब से 100 × 3960। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.96 × 10^6 बेस पेयर पर फॉर्क। समझ में आया, पर फॉर्क इतना आ रहा है, तो ये पर फॉर्क है। अब इसी को कैलकुलेट करना है, इस रेशियो को ऊपर लेके जाना होगा, यानी कि इस बेस पेयर से डिवाइड करना होगा, इस बेस पेयर से डिवाइड कर दो। टोटल क्या है, अगर फॉर्क की वैल्यू चाहिए, नंबर ऑफ फॉर्क चाहिए, सो दैट वुड बी व्हाट, जीनोम का साइज 10^10 डिवाइडेड बाई 3.96 × 10^6 पर फॉर्क जो यहाँ पे होगा वो ऊपर चला जाएगा, तो आपको फॉर्क की वैल्यू पता चल जाएगा, ये बेस पेयर और ये बेस पेयर हो गया, ठीक है जी। चलो अच्छी बात है, इस पे आप डिवाइड कर लेना, डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आ रही है, वैल्यू कितनी आ रही है, इसको अगर डिवाइड करते हैं तो नीलू कितनी आ रही है, ये आ जाएगा 3.40 / 3.96, ये वैल्यू आनी चाहिए। इसको सॉल्व करोगे 7575 तो ये आएगा आंसर, ठीक है। चलो बढ़िया, 7575 यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा एज फॉर द वेरिफिकेशन। नाउ जो भी 7575 से लेके 7576 तक आंसर दिया हुआ है, जो भी आप कंसीडर करोगे सही रहेगा। एंजाइम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखने की कोशिश करता हूँ, फटाफट देखिएगा, एंजाइम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एंजाइम से रिलेटेड, ठीक है। सो आपने देखा होगा कि बेसिक जो बायोकेमिस्ट्री के बेसिक पार्ट होते हैं उससे न्यूमेरिकल उठता है, अब एंजाइम से अच्छा खासा न्यूमेरिकल उठेगा, देखना एंजाइम से अच्छा खासा न्यूमेरिकल उठेगा। पहला क्वेश्चन जो आया गेट एक्सेल 2018 केमिस्ट्री, पूछा है कि कहां पे जो है ये फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करेगा, ये 0.1.4, तो 0. ये रहा 0.8 से लेके 0.1.4 तक, तो यहाँ पे जो ये है एक सेक्शन, ये है जीरो ऑर्डर का, क्या जी, ये है जीरो ऑर्डर का, और 0.2 से लेके 0.6, अगर मैं यहां पे बात करूं 0.1 से लेके 0.6 तक, ये जो सेक्शन है दैट इज व्हाट द फर्स्ट ऑर्डर, क्या जी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करेगा यहाँ पे। नाउ आगे चलेंगे, ये क्वेश्चन बता चुका हूं, ये सारी चीजें एक्सेल 2018 केमिस्ट्री, सबस्ट्रेट दिया हुआ है, क्या पूछा हुआ है, पूछा हुआ है कि मैक्सिमल वेलोसिटी का कितना फ्रैक्शन होगा, द फ्रैक्शन ऑफ द मैक्सिमल वेलोसिटी विल बी ऑब्जर्व विद द सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, ठीक है, ये पूछा हुआ है। तो क्या पूछा है, देखिएगा, v इज इक्वल टू v max into s Km+s, यही इक्वेशन होता है, ठीक है, Km इज अ माइकलिस मेंशन कांस्टेंट। नाउ अब देखने की कोशिश करिएगा, क्या होता है कि सबस्ट्रेट दिया है, सबस्ट्रेट के बारे में सॉल्व करना, ये रहा वी मैक्स, सबस्ट्रेट दिया हुआ है एस, नीचे हो जाएगा एस की वैल्यू है 4 Km,
ये रहेगा 4 km और नीचे 1 km है, फिर 4 km रख दो, क्योंकि सबस्ट्रेट की वैल्यू दिया हुआ है 4 km, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखना है। ये आ जाएगा क्या, वी मैक्स 4 km डिवाइडेड बाई 5 km, km km कैंसिल, 5 और 4 आ जाएगा 0.8 वी मैक्स। तो फ्रैक्शन जो आएगा वो 0.8 आएगा, क्लियर है? चलो बढ़िया। यहाँ पे सबस्ट्रेट नहीं पता करना था, V की वैल्यू पता करनी थी, V की वैल्यू पता करनी थी फ्रैक्शन, V मैक्स के फ्रैक्शन में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ कि इन एन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन इनिशियल वेलोसिटी इज ओनली 1/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम। देखिएगा सॉल्यूशन क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं काइनेटिक से, बस वही आपका ब्रिक्स एंड हल्डाने इक्वेशन लगने वाला है। V इज इक्वल टू 1/4 ऑफ V मैक्स, That is what 0.25 Vmax. Now, देखिएगा क्या पूछा जा रहा है, सबस्ट्रेट है 3 × 10⁻³ मिलीमोलर, Km का वैल्यू बताना है माइक्रोमोलर में। चलो देखिए देख लेते हैं जी, V is equal to Vmax into S Km plus S, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। इसको हम जब मॉडिफाई करते हैं, इसको जब हम मॉडिफाई करते हैं तो एक फॉर्मूला सबस्ट्रेट का निकलता है, वो सबस्ट्रेट का कुछ इस तरीके से फॉर्मूला निकलता है, दैट इज व्हाट द वी इनटू के एम वी मैक्स माइनस वी, इसको मॉडिफाई करके निकलता है ये वाला फॉर्मूला जो इक्वेशन आया है। यहाँ पे एस की वैल्यू रखिए और वी वी मैक्स इनकी वैल्यू रखिए, देखिएगा तो Km को निकालने के लिए अगर इसी को मॉडिफाई करोगे, इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर लो, Km की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगा, एस इंटू वी मैक्स माइनस वी डिवाइडेड बाई वी। तो इसी फॉर्मूला को यूज करना जी, क्या यूज करना है, Km का वैल्यू रखना है, क्या एस वी मैक्स, अलग अलग फॉर्मूला निकल के आ जा रहा है आप लोगों के लिए, दैट इज व्हाट दिस। अब इसको देखिएगा, इसमें क्या आ जाएगा, एस की वैल्यू 3 × 10⁻³ मिली मोलर, 3 × 10⁻³ को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 × 10⁻³ मिली मोलर को क्या हम, क्या इसको 3 μM लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है जी, 3 μM लिखा जा सकता है। तो मैं यहाँ पे 3 μM के साथ ही चलता हूं, ठीक है, तो 3 μM। उसके बाद वी मैक्स माइनस वी करेंगे तो वी मैक्स माइनस वी आ जाएगा 0.75 वी डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा आपका वी मैक्स 0.25 वी मैक्स। जब इसको सॉल्व करोगे, वी मैक्स कैंसिल, इसको सॉल्व करोगे 3 जाएगा 3 × 3, दैट इज व्हाट द 9 μM, क्लियर है, आंसर वेरीफाई कर लो, हो जाएगा 9 μM। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है के कैट बाई के एम से रिलेटेड आता है, के कैट बाई के एम काइनेटिक पैरामीटर फॉर द एंजाइम फ्यूमरेज हैज द 3 different substrate आर गिवन बिलो, ठीक है, गिवन बिलो। क्या करेंगे इसमें, के कैट बाई के एम आपसे पूछा है स्पेसिफिसिटी, और स्पेसिफिसिटी बिना के कैट बाई के एम के नहीं निकलता, क्या करना है, के कैट बाई के एम निकालना है। जरा फटाफट बता दो जी वैल्यू क्या होती है, तो फटाफट कौन बता देगा, के कैट बाई के एम, के कैट क्या आ रहा है, ये 2700/2700 आएगा, 800/5 ये आ जाएगा कितना 160, और 20/111 जो आ जाएगा वो समथिंग लाइक दैट कि आपका 0.19 आ जाएगा। सो सबसे ज्यादा एक्टिविटी आ जाएगा फ्यूमरेट का, फ्यूमरेट जो होगा सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद फ्लोरो फ्यूमरेट होगा, फिर क्लोरो फ्यूमरेट होगा, आंसर विल बी सी, क्लियर है, 0.18 या 1। बेसिक चीजें हैं बस, कुछ और नहीं है। एक क्वेश्चन देखो जो आता है यहाँ पे कि चार्ज क्या होगा, चार्ज क्या होगा, वो हालांकि अमीनो एसिड का क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे पुट हो गया है गलती से, ठीक है। इस चार्ज के क्वेश्चन में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ये पूछा है पीएच 1.8 पे, यानी लेस देन 3 है, पीएच जो है वो लेस देन 3 है, तो क्या सेलेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ बेसिक अमीनो एसिड प्लस बेसिक रखेंगे, यहाँ पे बेसिक को कैलकुलेट करेंगे, प्लस 1 जो होगे पॉजिटिव चार्ज में होगा, बेसिक होगा, एसिडिक नहीं होता नीरू, बेसिडिक होता है, बेसिक देखना एक एच है, एच के है, ठीक है, के एच, ये रहा एच और ये रहा के, चार बेसिक अमीनो एसिड मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, 1, 2, 3, 4 टोटल बेसिक अमीनो एसिड मिल रहे हैं 4, यानी कि नंबर ऑफ बेसिक 4 + 1 और ये आ जाएगा पॉजिटिव, दैट इज द +5 आया आंसर, +5 आएगा, is it clear?
नाउ एक क्वेश्चन आया था गेट एक्सेल 2016 बायोकेमिस्ट्री का, ये क्वेश्चन इसमें कुछ नहीं है, बस करना क्या है, ये पूछा है कि कौन जो होगा स्पैन करेगा और स्पैन कौन करना चाहिए जो कि मोस्ट हाइड्रोफोबिक होगा, मोस्ट हाइड्रोफोबिक होगा, जिसके पास मोस्ट हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड होंगे। हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड का क्या मतलब है, दैट इज द जी वे गावली एम, ये होता है हाइड्रोफोबिक, ठीक है, गावली एम, ये आपके हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स होते हैं, नॉन पोलर अमीनो एसिड्स होते हैं। देखिएगा इसमें क्या है, जब से ज्यादा जब कैलकुलेट करेंगे E3 से G20, वो यहाँ पे क्या करेंगे, इससे G22 यहां तक मूव करेंगे, तो कैलकुलेट करिए एक हो जाएगा, इस तरीके से आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है, IMP होता है, GS। तो यहाँ पे देखिएगा जो मोस्ट हाइड्रोफोबिक, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके नहीं बता रहा हूँ, बस आप कैलकुलेट कर लेना, जो सबसे ज्यादा आएगा वो सी में आएगा, ठीक है, वो सबसे ज्यादा जो आएगा वो सी में आएगा। इट्स सिंपल कैलकुलेशन कि ये जो अमीनो एसिड्स हैं वो किस में सबसे ज्यादा है, जिसमें सबसे ज्यादा आएगा वो सी में आएगा, जी बिल्कुल, मोस्ट हाइड्रोफोबिक सी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके गेट के क्वेश्चन से एंजाइम का रिलेटेड है, हाफ लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है, एक इमोबिलाइज्ड एंजाइम और एक सोल्युबलाइज्ड एंजाइम है, फर्स्ट ऑर्डर डीएक्टिवेशन रेट कांस्टेंट के ऊपर है कि क्या होगा। देखिएगा ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि द फर्स्ट ऑर्डर डीएक्टिवेशन रेट फॉर द गेट for the soluble and immobilized amyloglucosidase enzyme is 0.03 and 0.05 per minute. The ratio of the half of the immobilized enzyme half life के लिए क्या होता है 0.693 divided by k, यानी t half s is equal to, ये है क्या, ये आपका सोल्यूबल है, इमोबिलाइज्ड है, उसके हिसाब से जो k की वैल्यू होगी इनवर्स हो जाएगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जब इनवर्स होता है तो सोल्यूबलाइज अगर ऊपर होगा तो उसके k की वैल्यू नीचे होगी, और इमोबिलाइज नीचे है तो उसके k की वैल्यू ऊपर होगी। वैल्यू पुट कर दो ks by ki, सॉल्व करोगे 6 आ जाएगा आंसर। इज इट क्लियर, k की वैल्यू दिया हुआ है, हाफ लाइफ का रेशियो पता चल जाएगा। नाउ एक क्वेश्चन ये आया हुआ है एंजाइम से रिलेटेड, गेट 2016 बायोटेक्नोलॉजी में पूछा गया है, जो कि सबसे वन ऑफ द टफेस्ट पेपर जो आया हुआ है गेट की हिस्ट्री का, वो आया हुआ है 2016, ठीक है, गेट की हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट पेपर जो आया हुआ है 2016 आया हुआ, तो इस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना मत भूलना, जिसने बनाया था IISc ने। और आपको कुछ और चीजें बता दूं कि इस बार जैसा कि IIT दिल्ली बना रहा है, तो अगेन आई एम टेलिंग यू कि प्लीज फोकस ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि एंजाइम काइनेटिक्स, प्लीज आपके कुछ जो अभी मैंने बताया है, उसके बाद में कल भी न्यूमेरिकल जब डिस्कस करूंगा तो भी आप उन चीजों का ध्यान में रखेंगे, जितने न्यूमेरिकल टाइप्स में यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूं, अगर इतना भी आप प्रैक्टिस करके चले जाओगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करके आओगे न्यूमेरिकल्स के लिए, बाकी थ्योरी तो अलग डिस्कस किए जा चुके हैं। कंसीडर अ सिंपल यूनिसब्सट्रेट एंजाइम दैट फॉलोज द माइकलिस मेंशन काइनेटिक्स व्हेन द एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन वाज कैरीड इन द प्रेजेंस ऑफ 10 नैनोमोलर कंसंट्रेशन ऑफ एन इनहिबिटर। इनहिबिटर का एंजाइम है, इनहिबिटर के ऊपर एक न्यूमेरिकल बेस्ड है, जिसमें पूछा जा रहा है कि हाउ वर द स्लोप ऑफ LB प्लॉट इंक्रीज। LB प्लॉट का जो स्लोप है वो 3-fold इंक्रीज हो जा रहा है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट बताना है एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स का, यानी जो यहाँ पे पूछा है वो पूछा है KI आपसे। सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है जी, इनहिबिटर का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 10 नैनोमीटर, इनहिबिटर जब इनहिबिटर प्रेजेंट है नो इफेक्ट ऑन Vmax, Vmax पे नहीं होगा कोई इफेक्ट, क्यों, क्योंकि देखना ये क्या दिया हुआ है, इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इट इज कॉन्सेंट्रेशन जो है नो चेंज इन द मैक्सिमल वेलोसिटी, मैक्सिमल वेलोसिटी पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो कौन सा इनहिबिटर होगा ये बता देना, अगर Vmax पे कोई चेंज नहीं कर रहा है तो कौन सा इनहिबिटर होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव, सीधा सीधा पता चल रहा है कि कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है, ठीक है, चलो बढ़िया, कुछ तो दिमाग खुला हुआ है, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर होगा। स्लोप जो इंक्रीज हो रहा है वो 3-fold इंक्रीज हो रहा है, यानी कि के Vmax तो चेंज नहीं हो रहा है, स्लोप जो है, स्लोप होता है एलबी प्लॉट का, जो स्लोप होता है वो स्लोप होता है Km अपॉन Vmax, और Vmax चेंज हो नहीं रहा है, यानी Km ही चेंज हुआ होगा, यानी कि आपका Km ही चेंज हुआ होगा, इस तरीके से Km ही चेंज हुआ होगा, और Km कितना चेंज हुआ है वो आप देखिएगा कि Km apparent is equal to Km n plus i upon ki, ये वैल्यू है अल्फा, i आपको कैलकुलेट करना है, ki, i दिया हुआ है, Km और Km apparent पता है, जो कि रेशियो है 3 का रेशियो है, 1 को इधर लाइए 2, फिर i upon ki करेंगे तो वो आ जाएगा 5 नैनोमीटर, सिर्फ कैलकुलेशन रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी, क्लियर है।
वन ऑफ द गुड क्वेश्चन ऑन द इनिबिटर काइनेटिक्स. इनिबिटर पे अगर इनिबिशंस पे आता है तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, गेट में पूछा जाता है बायोटेक्नोलॉजी में. एक क्वेश्चन आया स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, गेट बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आया है कि स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इन अ क्रूड एक्सट्रैक्ट ऑफ द ई कोलाई इज 9.5 यूनिट पर एमजी ऑफ प्रोटीन. This is the specific activity. The specific activity increased to 60 units per mg. The protein upon ion exchange chromatography fold purification. What is fold purification? कितना increase हुआ है? दोनों की specific activity को divide कर दो. The final specific activity divided by the initial specific activity. Fold purification के numerical आपके tabular form में भी आते हैं. So formula यही लगेगा. Specific activity को divide करना होता है. Final upon initial. फाइनल है 68, इनिशियल है 9.58, ये डिवाइड करोगे 7.16 आंसर आ जाएगा. सिंपल स्टेट फॉर्मूला है इसका. इज इट क्लियर? एक क्वेश्चन अगेन आपके एंजाइम पे रिलेटेड आया हुआ है. एक क्वेश्चन अगेन एंजाइम से रिलेटेड है कि इसमें डिहाइड्रोजिनेज दिया हुआ है. देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको ईटी का कॉन्सेंट्रेशन पता करना है, उसके बाद ही आप सॉल्व कर पाओगे स्पेसिफिक एक्टिविटी. कैसे? केएम केकेट बाई केएम का रेशियो पूछा है, यानी कि स्पेसिफिक एक्टिविटी पूछा है. दिया क्या है? मॉलिकुलर मास दिया हुआ है. किसका? डिहाइड्रोजिनेज का. एंड उसके बाद वीमैक्स वैल्यू दी हुई है, वीमैक्स इतना दिया हुआ है. ये एंजाइम का वेट दिया हुआ है, यानी वेट और मॉलिकुलर वेट आपको उस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा. देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे. नाउ ये मॉलिकुलर मास दिया हुआ है 18 किलो डाल्टन. सी हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कि मॉलिकुलर मास ऑफ द प्रोटीन गिवन 18 किलो डाल्टन इन द क्वेश्चन, दैट इज द 18 kg है, क्यू के जी है या ग्राम में, उसको क्यू अभी हम बताएंगे क्यू लेके जा रहे हैं. नाउ अमाउंट ऑफ एंजाइम इज 1.8 माइक्रोग्राम, दिस इज अमाउंट. वी मैक्स 0.0034 माइक्रोमोल पर मिनट. तो ये जो है माइक्रोमोल पर मिनट में है. सो मास को किस में रखना पड़ेगा? अगर मैं यहाँ पे एंजाइम को किस में रखना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन में रखेंगे या किस में रखेंगे? एंजाइम को किस में रखेंगे? हाँ जी, केजी में रखेंगे. अच्छा, माइक्रोमोल पर मिनट में केजी में नहीं रखेंगे. अभी मैंने कुछ, चलिए एक बार बता दूं मैं, माइक्रोमोल पर मिनट जब दिया हो तो इस केस में रखते हैं एमजी में, और जब मोल पर सेकंड दिया हो, ये मैंने स्पेशल क्लास में बताया था अनअकैडमी पे, मैंने आप बोला था ज्वाइन कर लेना, इसको रखते हैं आप किस में? केजी में. ठीक है, तब रखते हैं. नाउ अब देखना कि अमाउंट ऑफ एंजाइम दिया हुआ इतना, केएम की वैल्यू ये दी हुई है. अब देखिए के कैट होता है वी मैक्स अपॉन एटी. अब वी मैक्स को क्या रखना है आपको? वी मैक्स को पर मिनट की जगह मैंने इसको माइक्रोमोल. अब देखिए क्यों केजी में किया मैंने, क्यों केजी में किया, वो चीज देखिएगा कि अब इसको मैंने जो माइक्रोमोल है उसको यहाँ पे मोल पर सेकंड कर दिया है, उसको मोल पर सेकंड किया, इसलिए इसको केजी में किया है. समझ में आई बात? मोल पर सेकंड करके केजी में किया है, इसीलिए मैंने इसको केजी में रखा था. कि आप देखना कि इसका वेट जो है केजी में रखा है, ये रहा मोल. इस तरीके से वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ग्राम ग्राम में गया, इस तरीके से वैल्यू गई, यहाँ पे पुट हुआ, पुट होके ये आंसर आया. आंसर आने के बाद ये वैल्यू पुट करेंगे, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन बचेगा. यहाँ पे सिर्फ यूनिट कन्वर्जन है और कुछ है नहीं. फिर इस वैल्यू को क्या करेंगे, के कैट को यहाँ रखा, के एम की वैल्यू पता है, ऑलरेडी दिया हुआ है, के एम 25. सॉल्व करोगे आप आ जाएगा 8.9 × 10⁴ मोलर पर सेकेंड. इज इट क्लियर? नाउ अगेन एक क्वेश्चन आया हुआ एंजाइम काइनेटिक्स से रिलेटेड. एक क्वेश्चन अगेन एंजाइम काइनेटिक्स से रिलेटेड आया हुआ. सिंगल सब यूनिट ऑफ एंजाइम कन्वर्ट्स 420 माइक्रोमोल ऑफ द सब्सट्रेट टू प्रोडक्ट इन 1 मिनट. ठीक है, ये आपका कुछ क्वेश्चंस आते हैं. 420 माइक्रोमोल ऑफ द सब्सट्रेट टू प्रोडक्ट इन 1 मिनट, ये दिया हुआ है 420 माइक्रोमोल. एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कैटल में पूछा है, तो कैटल में पूछा है, यानी कि माइक्रोमोल पर मिनट देके वो कैटल में पूछा है, तो मोल पर सेकंड में पूछा है, तो उसको मोल पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा. दैट इज व्हाट 7. ये आंसर क्या था? अगर एक यूनिट जो होता है, एक यूनिट होता है 420 माइक्रोमोल पर मिनट, ये होता है आंसर. अगर कैटल के बारे में बात करते हैं, इसको कैटल में क्या हो जाता है, 420 × 60 / 10⁷. इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ 7 × 10⁻⁶ कैटल के आसपास आंसर आ जाएगा. ठीक है, 6 × 7, इट्स नॉट 60, इट्स द 6. ओके, तो
तो ये आपका आंसर जो अभी मैंने डिस्कस किया था मोल पर सेकंड में। एक क्वेश्चन इनहिबिशन से फिर से आया हुआ है, अगेन इनहिबिशन का एक क्वेश्चन आया हुआ है जो इस तरीके से आता है कि KI इज अ नॉवल कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है। यहाँ पे KM जो है वो चेंज हो रहा है, जो कि पहले एंजाइम डाइजेस्ट किया जा रहा है, KI दे दिया। यहाँ पे देखिएगा KI दिया हुआ है 2.5 माइक्रोमोलर। द एंजाइम एसिड इन द इनहिबिटर जिसका कॉन्सेंट्रेशन 5 माइक्रोमोलर दिया हुआ है अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन, KM इन द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर जो है फाउंड किया गया है 30 माइक्रोमोलर, तो इन द एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर क्या होगा। यानी आपके पास यहाँ पे KM अपेरेंट नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है। अपेरेंट दिया है, I दिया है, KI दिया है, पूछ रहा है ये वाला फॉर्मूला। तो यही पूछ, आप सारे वैल्यूज को पुट कर दो इस इक्वेशन में, KM को कैलकुलेट कर लो, ऑब्वियसली वो आपका 10 आएगा। इस 30 से तो कमी आएगा क्योंकि KM जो होगा वो इंक्रीज होता है कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर में, तो इनिशियल कमी होगा जो कि फाइनल 30 हो रहा था। तो ठीक है, दिस इज द दिस वन एंजाइम के क्वेश्चंस मैंने कर लिए। कुछ क्वेश्चंस RDT और PCR से रिलेटेड पूछे जाते हैं, RDT और PCR से रिलेटेड पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दिया गया था, लीनियर DNA है, ठीक है, लीनियर डीएनए के बारे में बात करेंगे। लीनियर है, नंबर ऑफ साइट फ्रेगमेंट क्या होता है, N+1। तो यहाँ पे जो साइट है वो क्या है, 2+1। फ्रेगमेंट कितने जनरेट होंगे, 3 जनरेट होंगे। फ्रेगमेंट जो जनरेट होगा 3 जनरेट होगा, सीधा सीधा आप सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं आगे बात करूं इस क्वेश्चन के लिए, तो ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज कैरिड आउट 10 साइकिल्स इन द वॉल्यूम ऑफ 1 ml विद द 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ द टेम्पलेट DNA। अज्यूमिंग दैट इफिशियंसी इज 100%, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ DNA प्रेजेंट इन 100 माइक्रोलीटर एट द एंड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये क्या है, 5 मॉलिक्यूल्स जो है वो 1 ml में है, 5 मॉलिक्यूल्स 1 ml में है, 10 साइकिल के लिए जा रहा है। तो पहले आप 100 माइक्रोलीटर का मतलब क्या है, 100 माइक्रोलीटर वॉल्यूम के बारे में अगर बात करोगे, दैट इज व्हाट वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम 1 ml का मतलब है 1000 माइक्रोलीटर। सो इसको देखिएगा, 1000 माइक्रोलीटर में कितने मॉलिक्यूल है, 5 मॉलिक्यूल है। सो 100 माइक्रोलीटर में कितने होंगे, 0.5। समझ में आ रहा है, यूनिटरी मेथड है सीधा सीधा, ठीक है, सीधा सीधा यूनिटरी मेथड है। 1000 में 5 है तो 100 में क्या हो जाएगा, 0.5। अब आपका ये आ गया एन नॉट, क्योंकि फाइनल भी आपका 100 में पूछा, इसलिए मैं 100 पे रोक दे रहा हूं। एन नॉट ये आ गया, फाइनल पूछा n इज इक्वल टू एन नॉट इन टू 2 to power 10। इसको सॉल्व करोगे 0.5 इंटू 2 to power 10, इसको सॉल्व करो 1/2 इंटू 2 to power 10, जो आएगा वो आता है 1024, दैट इज द 1024 डिवाइडेड बाई 2512। आगे आंसर, इज इट क्लियर। सो इस तरीके से चीजों को आप सॉल्व कर सकते हो। RDT के कई अलग अलग क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन ये भी आता है क्या कि वन डबल स्टैंडर्ड DNA ऑफ द 600 बेस पेयर नैनोग्राम ऑफ द DNA प्रोड्यूस्ड आफ्टर द 24 एम्प्लीफिकेशंस विल बी। तो इन क्वेश्चंस के साथ कल मैं आपके बाकी क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी और इन जगह पे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है जी। सो होप कि आपको ये सेशन फ्रूटफुल रहा होगा, हमने काफी सारी चीजें देखी बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, और कुछ जो बचा हुआ है वो कल कंप्लीट हो जाएगा।